हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया एक रियलिटी है, इससे कोई बच नहीं सकता, और इसमें सबों का हाथ है, कांग्रेस का भी हाथ है। मैं और नावेद अहमद नेशनल एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं, जिसकी सदारत प्रधानमंत्री करते थे। 5 साल पहले उन्होंने, जब गृह मंत्री पी चिदम्बरम आए, पहले उन्होंने नावेद को हटा दिया। मैं एक तरीके से, पता नहीं मेरे को अभी हूँ या नहीं, क्योंकि उसके बाद ना तो नोटिफाई हुआ, ना मीटिंग हुई, ना बर्खास्त की गई, ना दोबारा बनाई गई। पर तकनीकी मैं अपने आप को अभी भी नेशनल एजुकेशन काउंसिल का मेंबर मानता हूँ, जिसकी सदारत प्रधानमंत्री करते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि सरकार किस तरीके से, कांग्रेस की सरकार भी किस तरीके से, कम्युनिटी किस तरीके से, एक साजिश कह सकते हैं, पी चिदम्बरम बहुत साफ आदमी नहीं है, किस तरीके से किसी खास कौम के खिलाफ शहर उबला जा रहा है, प्लांट किया जा रहा है। अभी उमा ने बताया कि कोटा, युवापा कांग्रेस सरकार की देन है। इस्लामोफोबिया का जो मेन मकसद है, हिंदू यूथ को, गांव में हिंदू पंचायत को, हिंदू टीचर्स को रेडिकलाइज करना है, इससे कम कोई बात नहीं है। और जब ये महफिलें, जब ये ग्रुप्स रेडिकलाइज हो जाते हैं, जैसे इस्लाम के यूथ अगर रेडिकलाइज हो जाते हैं, ईसाई यूथ रेडिकलाइज हो जाते हैं, टारगेट्स तो होते हैं। इस्लामोफोबिया का टारगेट सिर्फ मुसलमान नहीं होगा, ये मैंने पहली महफिल में पोस्ट किया था, क्योंकि ज़्यादातर भारत का मीडिया, भारत के पॉलिटिशियन, भारत का प्रेस ये समझ नहीं पा रहे। वो सोचते हैं कि सिर्फ अगर रेडिकलाइजेशन हुआ तो मुसलमानों के ऊपर ही अटैक करके सीमित होगा, और उसको हम देख लेंगे। आधा तो क्योंकि मुसलमान खुद एग्रेसिव है, वो ही रोक लेंगे, नहीं तो हम रोक लेंगे, लालू यादव रोक लेंगे, आखिरकार उन्होंने आडवाणी को पकड़ा था, लेकिन पकड़ा था, कम्युनिस्ट रोक लेंगे केरला। मगर अगर बजरंग दलित, अगर विश्व हिंदू परिषद टोटली रेडिकलाइज हो गया, अभी भी वो कह रहे हैं कि किस तरीके से हथियार बांटे जाएंगे, तो क्या होगा? जहाँ पे, क्योंकि रेडिकलाइजेशन तो पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगा, हवा फैल रही है, उनके अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए, आस्था टेलीविजन के जरिए, अगर पूरा रेडिकलाइज हो गया तो क्या होगा? जहाँ पे मुसलमान है वो तो सताया जाएगा ही, और दक्षिण में तो पार्टीशन नहीं हुआ था, 47 नहीं था, कोई रेफ्यूजी ना आया, ना कोई मुसलमान पाकिस्तान गया, कोई अरबपति करोड़पति गए होंगे, वो तो जाते ही रहते हैं। हमारे गांव से, हमारे इलाके से तो कोई पाकिस्तान नहीं गया, वहाँ पे तो रेफ्यूजी पंजाबी था नहीं, वहाँ पे कोई रेशियल मेमोरी है नहीं, तो वहाँ पर तो मुसलमानों के खिलाफ, अपने पड़ोसी मुसलमान के खिलाफ, तो किसी को कोई बैर होना नहीं चाहिए, किसी को कोई अलगाव तो होना ही नहीं चाहिए, किसी को कोई वहम, कोई शक, कोई ख़तरा तो महसूस होना ही नहीं चाहिए, और था भी नहीं, 300 साल तक नहीं था। मगर आज कर्नाटक में 10 साल की दोस्ती के बाद अपनी मंगेतर से आप शादी करें तो लव जिहाद हो जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन में शादी करनी पड़ती है। आज अस्पताल के अंदर जाके, आज नहीं कुछ साल पहले, मुसलमान लड़कों को पुलिस वाले भी गोली मार देते हैं, बाकी लोग भी मार देते हैं। आज कर्नाटक में, तमिलनाडु में RSS, PHP, दर्जे की चोट 56 इंच या 96 इंच, पता नहीं, मैं दर्जे नहीं हूँ, नापता नहीं हूँ, चौड़ा सीना करके ढूंढ रहे हैं। कैसे रेडिकलाइज हो गया साउथ? वहाँ पर तो जिन्ना का कोई भाषण नहीं हुआ था, वहाँ पे तो 47 की कोई कत्लेआम नहीं हुआ था, कैसे रेडिकलाइज होते? इसको थोड़ा समझना पड़ेगा।
रेडिकलाइजेशन और खासकर मेजॉरिटी कम्युनिटी का बड़ा खतरनाक होता है। किसी भी इस्लामिक, किसी भी नक्सलाइट, किसी भी ईसाई या सरदार, और हमको समझना चाहिए 75 से लेके 84 तक सरदार भी काफ़ी रेडिकलाइज हुआ, इन सब के रेडिकलाइजेशन से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एक बार जो उसके खून लग जाए तो ढूंढता है पानी, मुसलमान ना मिले तो ईसाई, ईसाई ना मिले तो ट्राइबल, ट्राइबल ना मिले और कोई भी ना मिले तो अपना ही जेंडर, महिला समाज में कोई नहीं। हमारा खतरा, हम कौशल सरकार को करते हैं कि ये संघ का जो रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम है इसका लंबा खतरा समझे, इस आग में आप और घी मत डालिए। गुड़गांव को गुरुग्राम या जो भी आप कर रहे हैं ये हम देख चुके हैं, महाभारत और दूसरे रामायण के टीवी के 10 साल के प्रोग्राम का क्या असर है हम देख चुके हैं। किस तरीके से जिसको अंग्रेजी में और ईसाई धर्म में कहते हैं इवेंजलाइजेशन करके एक पूरी जनता का एक डायरेक्शन में खास तरफ ध्यान बताने की और उकसाने की और चलाने की जो उसका खतरा बाकी आप ही को खतरा होगा, इससे हमको तो होगा ही होगा।